दोस्तों, हमारे चैनल फूडी फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं करने वाली मैगी फॉर 24 आवर्स। तो आज पूरे दिन मुझे जब भी भूख लगेगी मैं सिर्फ और सिर्फ मैगी खाने वाली हूँ। और आपको बैकग्राउंड से शोर सुनाई दे रहा होगा, तो कूलर चल रहा है इस वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत है तो बिना कूलर या पंखे के रहा नहीं जा सकता इस वजह से। तो बिना देरी के आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और ये जो इंट्रो है ये मैं दोपहर के टाइम पे शूट कर रही हूँ, तो देखते हैं मैंने नाश्ते में क्या बनाया था और क्या खाया था। तो चलो, तो सबसे पहले मैंने मैगी बना के बेस बनने के लिए रख दिया था पिज्ज़ा का। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पैन चढ़ाया और इसके अंदर मैंने घी डाला। आप चाहे तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैगी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये दोनों हाथ से डालना पड़ा था, एक हाथ से हो नहीं रहा था, टूटने लग गया था। और अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी और एक हाथ से ये बना रही हूँ पिज्ज़ा मैगी। तो सबसे पहले मैंने टमाटो केचप डाला था। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसका मेयोनीज डाला था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ डाल रही हूँ और इसके बाद मैं वेजिटेबल डाल रही हूँ। तो मेरे घर में प्याज और शिमला मिर्ची था, टमाटर भी था, लेकिन टमाटर मेरा मन नहीं था। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है वो डाल सकते हैं या फिर सिर्फ चीज़ भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर फिर से मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दिया। तो ये रहा हमारा मैगी पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लेके आ गई अपना मैगी पिज्ज़ा, लेके पिज्ज़ा मैगी लेके, और मेरे साथ ये मेरा बेटा, ये भी खाने वाला है, तो हम दोनों मिलके खाने वाले हैं। तो स्टार्ट करें बेटा? हाँ। सबको हाई करो पहले। हाय। सही से आप देख नहीं रहे पूरा। हाय। इधर आ जाओ। हाय। हाँ ठीक है। आपको पसंद है ये? हाँ। कितना पसंद है? ज्यादा। ज्यादा पसंद है, ठीक है, हम खाते हैं फिर। अब खाओ। ये ना सॉफ्ट बहुत हो रहे, तो अगर मैं इसको पिज्जा की तरीके ऐसे नहीं, इससे खाओ लो। इसको मैं अगर पिज्जा के तरीके से खाऊंगी ना, गरम है, आराम से खाओ। चीज डाल दिया तो इसलिए ये लग रहा है, लेकिन इसको अगर आप सोचोगे ना ऐसे खाऊं उठा के तो नहीं खा पाओगे, बहुत सॉफ्ट हो रहे, टूट जाएंगे। तो इसलिए मैं स्पून से खा लूं। मीठी जीतूंगा। आप जीतोगे, मम्मा जीतेगी। हाँ मैं जीतूंगा। ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है? तो लंच टाइम में मैं सिंपल सी मैगी बनाने वाले। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा, तो उसके बाद ये मैगी डाला, फिर मसाला डाला और मैंने इसमें हल्दी भी डाला था। तो दोस्तों, मैं आ रही हूँ अपने दोपहर का लंच लेके। तो मैं दोपहर में सिंपल और प्लेन मैगी खाने वाली, क्योंकि मुझे मैगी इसी तरह पसंद है। इसलिए सुबह जो मैगी खाया था, आप सब, हो सकता है बहुत से लोगों को वैसे मैगी पिज्ज़ा अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। बस ठीक ठीक था कि कभी कुछ अलग खाने का मन करे तो हम खा सकते, लेकिन अगर आपका मैगी खाने का मन है तो वो यही मैगी काम करेगी, मतलब इसी को खा के आपका मन भरेगा। तो स्टार्ट करते हैं लंच। तो नाइट टाइम में मैं यहाँ पे चीज़ पनीर मैगी बनाने वाली। तो सबसे पहले मैगी बन गया था, तो इसके अंदर मैंने ये चीज़ डाल दिया। मेरे पास ये वाला था, आपके पास जो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मैंने पनीर फ्राई करके रखे थे, इसको डाल दिया। तो ये मेरी मैगी बन के तैयार हो गई। मैंने यहाँ पे
रात के डिनर के लिए यहाँ पे बनाए पनीर चीजी मैगी, मैंने इसके अंदर चीज भी डाला, फिर पनीर फ्राई करके डाले देख सकते हैं, और आधा पनीर तो मैं खा भी गई हूँ, तो यही मैं खाने वाली हूँ। शाम को मुझे भूख नहीं लगी थी तो मैंने शाम को कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम यही मैगी खाएंगे और ये साथ में ये पनीर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत अच्छा चीज का टेस्ट आ रहा है। सबसे ज्यादा अच्छी मैगी लग रही है, अगर आपको बनाना ना तो सिंपल से मैगी बना लो, उसमें चीज डाल दो फिर पनीर फ्राई करके, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज्यादा ट्राई करना, मैंने भी पहली बार किया। तो दोस्तों मैंने खा लिया है मैगी और यहीं पे मेरा आज का चैलेंज ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी था मैगी, बहुत अच्छा था, और हैवी भी होता तो आपको बहुत तेज़ भूख लगे, तो इस तरह से मैगी बना के खाओगे ना एक पैकेट भी तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो ज़रूर ट्राई करना। कुछ भी नहीं करना मैगी बनाना, मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया तो आप देख लेना, मैं जितना भी होता है रियल दिखाती हूँ, तो हो सकता है मेरी आपको मेरी वीडियो ऐसा लगे कि अरे कुछ भी नहीं है इसकी वीडियो में, तो जितना भी होता है रियल होता है, मैं जो भी होता है दिखाती हूँ। तो आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो या फिर मेरा चैलेंज, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का चैलेंज वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। तो बस इतना ही आज के लिए, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए।